Hello everyone. In today's lecture, we are going to continue with chapter number 7 of our history book, and today's topic is debates within Christianity. Trade and travel, military conquest and diplomatic contacts, they helped a lot to link Italian towns and courts with different parts of the world. The new culture, which is known as the humanist culture, is the admire kiya gaya, isko praise kiya gaya, and this culture was adopted by the educated and the wealthy section of the society unfortunately the ideas of this humanist culture reached very late to the ordinary man because many of them were unable to read or write if we talk about this period of the 15th and the early 16th centuries many of the scholars in universities in northern europe they were attracted to humanist ideas इटालियन कोलीग्स जो थे उन्होंने भी फोकस करना शुरू किया टूवर्ड्स अ क्लासिकल मीन्स द एंशियट ग्रीक एंड द रोमन टेक्स्ट अलोंग विद द होली बुक्स ऑफ द क्रिस्टन्स इटली जहाँ पे लोगों ने ह्यूमानिज़म को एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट किया था नॉर्दर्न यूरोप में ह्यूमानिज़म के जो आइडियाज थे उनको चर्च के मेम्बर्स ने भी अडोप्ट किया दे अट्रैक्टेड मैनी मेम्बर्स ऑफ द चर्च एंड दे कॉल्ड ऑन क्रिस्चन्स टू प्रैक्टिस द रिलीजन विच वॉज लेड डाउन इन द एनशियट टेक्स्ट तो उन्होंने लोगों को इंसिस्ट करना शुरू किया कि जो हमारा पुराना क्रिस्चन रिलीजन था हमें उन्हीं आइडियाज़ को अडॉप्ट करना चाहिए और मिडीवियल टाइम पीरियड में जिस तरीके से ये अननेसरी रिचुअल्स उन्होंने अडॉप्ट किए हैं इनको ख़त्म कर देना चाहिए और हमें अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा सिंपल बनाना चाहिए

by the belief in a distant god who created man but allowed him complete freedom to live his life freely to so, philosophers ne bhi yahi kehna shuru kiya ki god jo ne man ko create kiya hai lekin God ने man को completely freedom भी provide किया है ताकि वो अपनी life को अच्छी तरीके से जी सकें और full of happiness जो है उसको अपनी life में impart कर सकें क्रिश्चियन ह्यूमानिस्ट जो थे हमारे थॉमस मोर 1478 सेवेंटी एट से लेकर फिफ्टीन थर्टी फाइव तक इन इंग्लैंड और इरासमस फोर्टीन सिक्सटी सिक्स टू फिफ्टीन थर्टी सिक्स इन होलैंड दे फेल्ट चर्च हैड बिकम एन इंस्टीट्यूशन मार्क्ड बाय ग्रीड उनको लगा कि जो ये चर्च है अब इसका रिलीजन से धर्म से ध्यान हट कर लालच की तरफ बढ़ता जा रहा है एक्सटॉटिंग मनी लूट खसूट होने लग गई है और ये ज़्यादातर ये प्रैक्टिस किससे हो रही हैं किसके साथ की जा रही है ऑर्डिनरी पीपल के साथ सो वन ऑफ द फेवरेट मैथड्स ऑफ द क्लर्जी जो चर्च के जो हेड थे वो एक डॉक्यूमेंट को जो सेल करना उन्होंने शुरू किया जिसको हम बोलते हैं इंडेलिजेंसेज क्षमा पत्र और लोगों को कहने लग गए कि आपने बहुत ज़्यादा पाप किए हैं आपके ऊपर पाप का बहुत ज़्यादा बोझ है और आपको इस बोझ से अपने आपको अगर मुक्ति करवानी है तो आपको ये क्षमा पत्र खरीदने होंगे क्रिस्ंस बी केम टू रियलाइज़ फ्राम प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन लोकल लैंग्वेजेज़ दैट देयर रिलीजन डिट नॉट परमिट सच प्रैक्टिस अब जब ये एंशियंट कल्चर जो था हमारा रिवाइव हुआ क्रिस्चन रिलीजन के बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया प्रिंटिंग प्रेस आ गई लास्ट के टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया था तो अब बाइबल की बहुत सारी कॉपीज जो थी प्लस उसकी ट्रांसलेशन वो लोगों तक पहुँचने लग गई और लोगों ने ये स्टडी किया द पीपल द स्टार्टेड स्टडिंग की कहीं भी चर्च में इन इंडलजेंसीज का इन क्षमा पत्रों का कोई जिक्र ही नहीं है कि दैट अ मैन इसका कमिटिंग द सेंग अगर उसको अपने सिंह से छुटकारा दिलवाना है तो उसे क्या करना है ये क्षमा पत्र खरीदने हैं तो कहीं ना कहीं वी कैन से दैट द वीकनेसेस ऑफ द चर्च वॉज एक्सपोजिंग इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप जो पीजेंट्स थे मिडीवियल जो यूरोप था उस टाइम पीरियड में तो पेजेंट्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वर्स थी दे वर एक्सप्लॉयटेड अ लॉट इन द हैंड्स ऑफ द नोबेल्स लेकिन अब यहाँ पे क्या था कि पीजेंट्स ने धीरे धीरे करके रिबेल करना शुरू किया बिकॉज द एंटायर बर्डन ऑफ द टैक्सेज वॉज देयर ऑन द पेजेंट्स और जो चर्च था वो भी उनके ऊपर टिथ नेम का एक जो तो टैक्स था वो लगा रहा था वैल द कॉमन फोक रिजेंटेड द एक्सटोशंस ऑफ चर्च मैन प्रिंसेस फाउंड देयर इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द स्टेट इरीटेटिंग तो अब यहाँ पे क्या था कि सेंटर में तो कौन है क्लर्जीज़ हैं क्लर्जी ने कॉमन लोगों के ऊपर आम आदमी के ऊपर ऑर्डनरी पीपल के ऊपर भी अपना पूरा कंट्रोल कर रखा था और दूसरा जो मोनाक्स थे जो किंग्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा ये इरीटेशन हो रही थी कि अननेसेसरली जो चर्च है जो क्लर्जीज़ हैं उनके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं देवर प्लीज अब ये कॉमन पीपल और साथ के साथ जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए जब ह्यूमैनिस्ट ने ये पॉइंट आउट किया कि क्लर्जी पॉलिटिकल पावर्स के साथ साथ जुडिशल और फाइनेंशियल पावर्स को भी अपने कंट्रोल में क्यों रखते हैं क्यों ये दावा करते हैं कि जुडिशरी और फाइनेंस उन्हीं के कंट्रोल में हो तो क्लर्जीज uh, का ये मानना था कि उन्होंने ये पावर किससे ली है एक डॉक्यूमेंट से एक दस्तावेज़ है जिसका नेम है डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट तो ये माना गया था कि जो है ना ये फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्प्रर हुआ था और उसी ने ये डॉक्यूमेंट इशू किया था एंड इन दिस डॉक्यूमेंट ही हैज मैंशन द कलर्जेस दे कैन क्लेम फॉर द जुडिशियल एंड द फाइनेंशियल पावर्स लेकिन ह्यूमैनिस्ट स्कॉलर्स ने इस बात को पॉइंट आउट किया और प्रूव किया कि जो डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटेन टाइम का नाम का एक जो डॉक्यूमेंट है दिस इज इज नॉट नेचुरल ये नेचुरल नहीं है ये जेनुअन नहीं है एंड इट हैज़ बिन फॉर्स लेटर इसको बाद में किसी जालसाजी के के तहत इसको बनाया गया है सो so चर्च भी ऐसी बातें करके अपने पावर्स को ओवर पावर हो रहे थे जो कि आम जनता को अब समझ आने लग गया था और वो इसके अगेंस्ट आ रहे थे 1517 में एक यंग जर्मन मॉन्क हुआ है जिसका नाम है मार्टिन लूथर इसके बारे में हमने क्लास टेंथ में भी स्टडी किया था प्रिंट कल्चर में 1483 से लेकर 1546 तक इसने भी रोमन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट किया और आर्ग्यू किया इसने दैट अ पर्सन डिड नॉट नीड प्लीज टू एस्टैब्लिश कंटैक्ट विद गॉड कि अगर किसी पर्सन ने भगवान के साथ अपना संपर्क बनाना है तो उसके लिए उसे किसी चर्च की पर्सनालिटी की ज़रूरत नहीं है ही आस्ट हिज फॉलोवर्स टू हैव कम्प्लीट फेथ इन गॉड तो मार्टिन लूथर ने कहा कि अगर आपको भगवान के और क्लोज आना है तो उसके लिए आपको भगवान में विश्वास रखना होगा एंड जो आपका ये विश्वास है वही आपको सही रास्ता दिखाएगा और एक सही जिंदगी जीने जीने के लिए एक गाइडेंस देगा और अगर आप अच्छी लाइफ जियोगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा दैट यू विल गेट अ एंट्री इन टू हेवन ये जो मूवमेंट मार्टिन लूथर ने चलाई इस मूवमेंट को हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बोलते हैं एंड दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन द चर्चिज ऑफ जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड एंड ब्रेकिंग देयर कनेक्शन विद द पोप चर्च का हेड जो पोप था उसके साथ उनका कनेक्शन टूट गया और साथ के साथ कैथलिक चर्च का क्योंकि मार्टिन लूथर ने ओपनली रोमन कैथलिक चर्च की प्रैक्टिस को चैलेंज किया स्विट्ज़रलैंड में मार्टिन लूथर के आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया एक पर्सनैलिटी जिसका नाम है उलरिक जिंगली फोर्टीन एटी फोर से लेकर फिफ्टीन थर्टी वन तक और बाद में इसी को आगे किसने बढ़ाया जीन कैलविन ने फिफ्टीन जीरो नाइन से सिक्सटीन सिक्सटी uh, फोर तक बैक्ड बाय मर्चेंट्स एंड रिफॉर्मर्स हैड ग्रेटर पॉपुलर अपील इन टाउन्स अब कहते हैं कि जब ये अच्छे काम की शुरुआत कर ही दी थी मार्टिन लूथर ने चर्च की प्रैक्टिसेस को एक्सपोज किया चर्च के जो रिचुअल्स थे उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई तो कहीं ना कहीं मार्टिन लूथर की हेल्प करने के लिए जो अपील थी वो चर्च मर्चेंट्स uh, के द्वारा भी की गई और रिफॉर्मर्स के द्वारा भी की गई बिकॉज रिफॉर्मर्स जो थे वो सुधार लाना चाहते थे एंड अगर बात करें हम रूरल एरियाज की तो कैथोलिक चर्च ने अपनी जो यहाँ पे पूरी इन्फ्लुएंस बना रखी थी अदर जर्मन रिफॉर्मर्स लाइक द एना बैप्टिस्ट इवन मोर रेडिकल दे ब्लैंडेड द आइडिया ऑफ सेल्वेशन विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल ऑपरेशन अब हमने यहाँ पे देखा कि एक सिंगल रिलीजन है जिसका नाम है क्रिस्टानिटी दैट रिलीजन गॉड डिवाइडेड इनटू टू टू पार्ट्स जिसको हम सेक्ट्स भी बोलते हैं एंड वन इज द रोमन कैथोलिक एंड अदर वन इज थी प्रोटेस्टेंट अब प्रोटेस्टेंट रिलीज जो हमारा ये जो ग्रुप था क्रिस्टानिटी के अंदर ही जो बना ये इसमें भी एक और नया ग्रुप बन गया जिसका नाम था एना बैप्टिस्ट एना बैप्टिस्ट जो थे जर्मन के रिफॉर्मर्स थे लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा रेडिकल मैचर्स उग्र स्वभाव के थे बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और इन्होंने कहा कि अगर हमने गॉड के गॉड का वाला पाथ अपनाना है राइट right आइडियाज़ को अपनाना है या सेलवेशन अटेंड करनी अगर हमें मुक्ति अटेंड करनी है तो उसके पहले हमारे साथ जो सोसाइटी में हो रहा है ऑल दैट वॉट इज़ हैपनिंग विद अस इन द सोसाइटी उस सारी एक्सप्लोइटेशन को हमें एंड करना होगा दिस एट दैट सेंस गॉड हेड क्रिएटेड ऑल पीपल आज इक्वल अभी एना बैप्टिस्ट जो कि प्रोटेस्टेंट का ही एक पार्ट थे इनका ये मानना था कि भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है तो दे वर नाट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस तो फिर हम ये टैक्सेस क्यों दें एंड दे राइट टू चूज देअर प्रीस्ट और उनके पास ये अधिकार है कि जो प्रीस्ट वो उस पर्सन को अपना प्रीस्ट बनाए जो उनको सही रहा दिखा सके एंड दिस अपील टू द पीजेंट्स अप्रेस्ड बाय फ्यूडलिज्म लूथर जो था मार्टिन लूथर जिसने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन uh, की शुरुआत करी वो ये एना बैप्टिस्ट को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे बिकॉज दे वर रेडिकल इन देयर नेचर बहुत गुस्से वाले थे एंड ही कॉल्ड अपॉन जर्मन रूलर्स टू सप्रेस द पीजेंट्स रिविलियन और उसने जर्मन रूलर से ये अपील करी कि वो पीजेंट्स के द्वारा ये जो चलाया हुआ अभियान है इसको रोके एंड विच द डेड इन फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव बट रेडिकलिज्म सर्वाइव्ड रूलर्स जर्मन रूलर्स ट्राइड हार्ड टू कंट्रोल दिस सिचुएशन वो थोड़ी बहुत कंट्रोल भी हुई लेकिन फिर भी ये जो रेडिकलिज्म uh, का जो ट्रेंड एक बार स्टार्ट हो गया था ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ एंड मर्ज विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट्स इन फ्रांस जिन्होंने क्या किया प्रसिक्यूट करना शुरू किया कैथलिक रूलर्स को एंड स्टार्टेड क्लेमिंग द राइट ऑफ पीपल टू रिमूव एंड अप्रेसिव रूलर एंड चूज सम ऑफ देयर ओन लाइक किंग अब लोगों को यह समझ आ गई थी कि ये जो किंग की पोजिशन है वो हमने ही क्रिएट करी है एंड वट वॉज द बेसिक रीजन कि किंग जो है वो अपने पावर्स के साथ उनको डिफेंड डिफेंस प्रोवाइड करे उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करे उनके लिए वेलफेयर मेजर्स जो है वो अडॉप्ट करे तो उनका ये मानना था लेकिन अगर किंग ऑप्रेसिव है किंग हमें जरूरत से ज़्यादा एक्सप्लॉयड कर रहा है तो हमारे पास ये पावर है कि हम उस किंग को रिमूव कर सकते हैं और उस पर्सन को डिप्यूट कर सकते हैं एज अंग जो हमारे लिए वर्कआउट करें इवेंचुअली इन फ्रांस एज इन मेनी पार्ट ऑफ द यूरोप कैथलिक चर्च फॉलोड बाई द प्रोटेस्टेंट्स टू वर्शिप एज दे चूज तो उन्होंने लोगों को कहीं ना कहीं अथॉरिटी दे दी कि आप किसी भी ग्रुप uh, को मान सकते हो तो साथ के साथ आपका जिसको वर्शिप करने का मन करे जिसको पूछने का मन करे वो पूछ सकते हो इंग्लैंड रूलर्स एंडिड द कनेक्शन विद द पोप एंड द किंग एंड द क्वीन वॉज दैन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स दैड ऑफ द चर्च तो कहते हैं कि इंग्लैंड के रूलर्स ने तो पोप के साथ अपना जो कनेक्शन था वो तोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अब हम चर्च के खुद ही हेड बनेंगे कैथलिक चर्च जो था डिड नॉट एस्केप इट्स सेल्फ फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ दीज आइडियाज़ एंड बिगैन टू रिफॉर्म इट्सल्फ फ्रॉम विद इन तो फ्रांस स्पेन uh, में और इटली में जो चर्च के में जो मेंबर्स थे उन्होंने इस चीज़ के ऊपर जोर दिया कि हमें एक सिंपल लाइफ जीनी है एंड आवर मेन मोटो जो है वो होना चाहिए दैट इज़ टू सर्व द पुअर टू सर्व द ह्यूमैनिटी तो इसी के चलते स्पेन में इग्नेशियस लॉयला ने सेटअप करी एक सोसाइटी ऑफ जीजस फिफ्टीन में और ये सोसाइटी को बनाने का मेन पर्पस यही था कि जीसस क्राइस्ट द वन हु फाउंडेड क्रिश्चियनिटी उनकी जो रियल टीचिंग्स हैं उसको इम्पार्ट किया जाए अब जो इस सोसाइटी के मेम्बर्स बने उनको बोले बोलने लग बोला जाने लगा दे देवर कॉल्ड एस अ जेजुस्ट जिनका मेन मिशन यही था कि पुअर लोगों को की सर्विस को अपनी सर्विसेज दो तो, उनकी सेवा करो एंड टू वाइडन देयर नॉलेज दे आर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स की दूसरी संस्कृतियों को भी अपनाओ और दूसरी संस्कृतियों के बारे में भी ज्ञान हासिल करो एंड ये जो तो जैजी सोसाइटी बनी जब इंडिया में मुग़ल एम्प्रर अकबर था तो अकबर का टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा लॉन्ग रहा है तो ये अकबर के टाइम पीरियड में इंडिया में आई ये जेजु सोसाइटी दे के एम एज ए मिशनरीज उनका मेन मोटो इंडिया में आने का क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने का था काफ़ी टाइम तक नियर अबाउट टू तो टू तो थ्री तो तो इयर्स तक इन्होंने अकबर के साथ स्टे किया और अपने रिलीजन की जो जो टीचिंग्स थी उसको उनके साथ शेयर किया रिगार्डिंग दिस जेज्वे सोसाइटी एंड अकबर वी विल रीड इन क्लास ट्वेल्थ थैंक यू